मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की संकल्प भूमि चित्रकूट की पावन धरा पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ आगाज हो गया है। मंदाकिनी के राम घाट तट से 7 अखाड़ों के निशानों के साथ हजारों साधु संतों, महिलाओं और उनके बच्चों द्वारा निकाली गई कलश यात्रा में चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो और जय श्री राम के नारों की गूंज रही। माता सती अनसुईया के तपोबल से निकली पतित पावनी माँ मंदाकिनी नदी के पावन रामघाट तट से दिव्य और भव्य झांकियों के साथ हजारों साधु संत और 1100 महिलाएं कलश लेकर निकली। हिंदू एकता महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल रानीपुर भट्ट पर कलश यात्रा का समापन हुआ। इससे पूर्व जयपुरी तराहा पर विशाल अग्रवाल के नेतृत्व में हिंदुओं ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कल 15 दिसंबर को मुख्य आयोजन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे और देश भर से संत महंत और करीब 5 लाख हिंदू जुटेंगे। मुझे हिंदू एकता में संतों की वरीयता का ध्यान रहा है। जिन जिन संतों को मैंने बुलाया वो सब आ रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मनोज मुंशतरी हो सकता है, मनोज मुंशी क्या नाम का मुंतशिर, हाँ हो सकता किसी कार्य से ना आ रहे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मनोज नहीं आ रहे तो मनोज मोहन तो आ रहे हैं। कलश यात्रा में कार्यक्रम के प्रधान सेवक कटनी विधायक संजय पाठक, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर वी के जैन, निमोही अखंड के महंत दीनदयाल दास महाराज सहित हजारों लोग मौजूद रहे। चित्रकूट से रतन पटेल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।